हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना हेलोजन डेरिवेटिव इस चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 में जो चेंज हुआ है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ओके। सो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मेन टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनेंसियोमर क्या होता है पढ़ेंगे, काइरल कार्बन क्या होता है ये पढ़ेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है ये भी हम सारी चीजें आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहां से 2 मार्क्स तक का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। इस वीडियो से आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। सो यहां से मेनली डेफिनेशन मिलती है और छोटे मोटे कंसेप्ट, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो, अगर आप लोग को नोट चाहिए तो यहां पे कांटेक्ट करो जरूर ये इंस्टाग्राम आईडी में, और या फिर आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो भाई आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा आइसोमर, ठीक है, आइसोमर के बारे में पढ़ा होगा, तब ना फिर हम लोग बाद में जानेंगे कि भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। चलो, तो आइसोमर क्या होता है पहले आप लोग ये जान लो। तो जो आइसोमर होता है ये एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है, हमेशा सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर, ओके, याद रखना। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है पहले ये समझ लो। तो ऑप्टिकल वर्ड कभी भी आपके सामने आया ना तो आपको एक ही चीज समझनी है कि इसका मतलब होता है मिरर, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मिरर से रिलेटेड है यहाँ पे ऑप्टिकल, यानी कि आपने देखा होगा मिरर इमेज वगैरह, ऐसी कोई ना कोई चीज आपने देखी होगी, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप लोग मिरर के सामने अगर आते हो तो आप लोग हल्का सा उल्टा दिखाई देते हो, या किसी किसी मिरर में आप एग्जैक्टली सेम भी दिखाई देते हो। तो ऑप्टिकल वर्ड ये मिरर से रिलेटेड है, और आइसोमेरिज्म किसका होता है, कंपाउंड का, यानी कि जो अपने पास स्ट्रक्चर होते हैं कोई भी कंपाउंड हो, चाहे प्रोपाइल हैलाइड हो, अल्काइल हैलाइड हो, कोई भी कंपाउंड हो कार्बन का और हाइड्रोजन का, तो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि मिरर के सामने जब हम उसको रखेंगे तो उसका मिरर इमेज कैसे बनेगा उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। वही चीजें हमें कुछ ऐसा पढ़ना है, बट उससे पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं काइरल कार्बन एटम। तो काइरल और काइरलिटी क्या होती है इसको डीप कंसेप्ट में आज हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो काइरलिटी का बस 2 लाइन आप लोग पहले पढ़ लो, और उसके बाद मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको हमेशा के लिए काइरल कार्बन एटम के बारे में पता चल जाएगा। तो काइरल कार्बन एटम जो होता है एक ऐसा एटम है इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा कार्बन का एटम होता है जो कैरी करता है डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन एटम। यानी कि एक ऐसा कार्बन का एटम जो डिफरेंट मतलब कोई भी उससे जो अभी देखो एक कार्बन से 4 चीजें तो अटैच होती ही हैं, बट उससे सारी चीजें जो भी अटैच हो वो क्या हो, डिफरेंट होनी चाहिए, एकदम डिफरेंट, कोई सिमिलर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, काइरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं गाइस अच्छे से कि भाई काइरल कार्बन होता क्या है, ठीक है। देखो, तो ये वाला आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे अपने पास टोटल 4 कार्बन है। इस टोटल 4 कार्बन में पहले कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर दूसरे कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे Cl है, फिर तीसरे कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है लास्ट वाले कार्बन में। तो अभी आप लोग को अच्छे से समझना है इन कंसेप्ट को कि यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसा कौन सा कार्बन है इसमें से, ऐसा कौन सा कार्बन है जिस कार्बन के पास सारे के सारे जो एटम अटैच हैं वो डिफरेंट हो। देखो, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इसके पास ये हाइड्रोजन 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 सेम हो गया, मतलब ये अपना काइरल कार्बन नहीं है। फिर ये वाला कार्बन देख लो, इसके पास भी सेम हो गया, ये भी अपना काइरल कार्बन नहीं है,
फिर यहाँ पे देखो कि इस साइड तो भाई ठीक है कार्बन अटैच है, इस साइड भी कार्बन अटैच है, मतलब ये भी सेम नहीं है। बट अभी व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये कार्बन की बात करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अटैच भी भाई ठीक है चलेगा, ठीक है। फिर इधर देखो क्लोरीन अटैच है, ये भी चलेगा। इस साइड देखो कार्बन अटैच है और इस साइड भी क्या अटैच है, कार्बन ही अटैच है। सो ऐसा कार्बन यहाँ पे, ऐसा वाला जो कार्बन एटम है, ऐसे कार्बन को हम काइरल कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे से आपको अभी यहाँ पे समझ के रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ठीक है। चलो तो ध्यान देना अच्छे से गाइज, इस साइड देखो जरा यहाँ पे सारे डिफरेंट है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, बट नहीं, उसने क्या बोला है, ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स और ग्रुप। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेकेंड कार्बन यहाँ बनाऊं तो इस साइड कौन अटैच है, सी एच टू, और इस साइड कौन अटैच है, सी एच थ्री, और ऊपर कौन अटैच है, हाइड्रोजन, और नीचे कौन है, क्लोरीन है। तो अभी देखो जरा ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन टोटली डिफरेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 है, और यहां पे CH3 है, यहां पे क्लोरीन है, तो ये टोटली डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, यस माय डियर हुआ, ठीक है। तो इस साइड देखो यहां पे ये वाला क्या है अपना, ऐसा कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन है, और इस साइड एक ऐसा कार्बन जिसके पास तीन हाइड्रोजन है, यानी ये मिथाइल हो गया, और यहां पे इसके ऊपर साइड यहां पे ये हाइड्रोजन और यहां नीचे क्लोरीन। तो ये जो सेकंड वाला यहां पे कार्बन है, तो यहां पे देखते हैं, पहला कार्बन नंबर वन में सबके सब हाइड्रोजन अटैच है, फिर कार्बन नंबर टू में यहां पे हाइड्रोजन क्लोरीन और सी एच थ्री, देखो जरा सभी के सभी डिफरेंट है क्या, यस माय डियर, और ये लास्ट वाला यहां पे, तो ये सभी के सभी डिफरेंट है ना, देखो। फिर ठीक है सी एच थ्री में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे देखो थर्ड नंबर कार्बन में ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद देखो इस साइड यहां पे देखो ये वाला पूरा सी एच थ्री हो गया, ये सी एच थ्री हो गया, और इस साइड यहां पे दो कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, फिर ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे ये वाला कार्बन एक ऐसा कार्बन अटैच है, कार्बन नंबर टू, जिसमें से टोटली सारी चीजें डिफरेंटली अटैच है, ठीक है, डिफरेंट एकदम अटैच है सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए इस कार्बन को हम काइरल कार्बन कहेंगे। तो एक ऐसा कार्बन जिससे चार के चारों जो चीजें कनेक्ट होती है, एक कार्बन से चार चीज तो कनेक्ट होती है, बिकॉज एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन टोटली चार बॉन्ड ही बनाता है। तो इन चारों बॉन्ड से एक ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड में टोटली डिफरेंट एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो भी कनेक्ट हो, तो वो सभी के सभी डिफरेंटली अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, काइरल कार्बन कहते हैं। जो काइरल कार्बन होता है एक स्टार साइन से दिखाया जाता है, और स्टार की साइन का नाम होता है एस्टेरिस्क, आपको याद रखना है। देखो जरा यहाँ पे हमने अच्छे से दिखा के रखा है कि सेकंड कार्बन अपना काइरल कार्बन था, तो इसीलिए इसको हमने एस्टेरिक्स से क्या किया है, दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब जो काइरल कार्बन होता है ये एस्टेरिक्स दिखाते हैं, एस्टेरिस्क से दिखाते हैं, और ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिससे सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंटली अटैच होते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन अटैच है, ये क्लोरीन अटैच है, और इस साइड से यहां पे CH2 अटैच है, और यहां पे इस साइड से अटैच है CH2 CH3, यानी कि ये क्या हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है। तो ये अटैच है, और इस साइड से कौन अटैच है, CH3, बॉन्ड C बन गया, और ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे क्लोरीन है, ठीक है। तो इसलिए ये काइरल कार्बन हो गया, ठीक है। चलो तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक छोटा सा कंसेप्ट और जान लेते हैं इसके बारे में, कि जो काइरल कार्बन होता है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। आप बोलोगे ये क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम कंसेप्ट जानेंगे, ये इतना बस अभी आप पढ़ लो कि जो काइरल कार्बन होता है ये सारे के सारे एक ऐसा कार्बन एटम जिससे कि सारे के सारे बॉन्ड जो भी जिस भी एटम से अटैच होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे, कोई भी सेम बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मतलब ये कैन नॉट सुपर इम्पोज द मिरर इमेज। अब ये क्या होता है, अभी आप इसको जानोगे, बस इतना याद रखना कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और ये एस्टेरिस्क साइन से दिखाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, ओके। चलो तो यहां पे ध्यान देना, तो उससे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, आपको ये हैंड दिख रहा होगा और ये दूसरा हैंड दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, और यहां पे आपको ग्लास दिख रहा होगा और यहां भी ग्लास दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेंटर में जो है ना, इसे हम मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मिरर है अपना, ओके। तो देखो, अगर हम लोग किसी भी मिरर के सामने, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा ऑप्टिकल, उसके सामने अगर हम लोग अपना हैंड लाते हैं, तो ये दूसरे साइड के दिखेगा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और अगर हम लोग ग्लास को लाते हैं, ग्लास से भरा वाटर को, तो दूसरे साइड मिरर में भी सेम वैसा ही दिखता है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई, बीच में तो मिरर ही है ना,
बीच में सेंटर में तो मिरर ही है, बट फर्क किस चीज का आ रहा है? तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं माय डियर, कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रहते हैं वो मिरर में जाने के बाद कुछ ना कुछ उनके शेप में, यानी कि जो उनका इम्पोजिबिलिटी होती है, उस इम्पोजिबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। लाइक ये हैंड को देख लो और ये हैंड को देख लो, दोनों बस इसमें यहाँ पे थंब का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लास में देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एकदम सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, सुपर इम्पोजिबल उसे कहते हैं, याद रखो अच्छे से, सुपर इंपोजिबल, जो सुपर इंपोजिबल होता है वो उसे कहते हैं जो ऐसा कुछ चेंजेस लाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें इन्वर्जन हो जाता है मिरर के बाद, मिरर के सामने, ऐसे वाले ऑब्जेक्ट को, ऐसे वाले चीजों को हम सुपर इम्पोजिबल चीजें या इमेज या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक ऐसा इमेज जो कि मिरर के सामने आने पर भी कोई भी उसमें मतलब चेंजेस नहीं होते, कोई डिफरेंस नहीं होता, एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे वालों को हम नॉन सुपर इंपोजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज या ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो काइरल कार्बन एटम होता है वो टोटली नॉन सुपर इंपोजिबल होता है। कैसा होता है? नॉन सुपर इंपोजिबल, यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल या कार्बन के कंपाउंड में, जिस भी कार्बन के कंपाउंड में एक ऐसा एटम होगा जो कि काइरल एटम हो, तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा? अपना नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, बिकॉज जो काइरल कार्बन होता है ये खुद क्या होता है? नॉन सुपर इंपोजिबल होता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से आपको याद रखनी है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइज, अपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देके रखा है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का हमने अच्छे से बनाया, देखो ये अपना यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन है अपना काइरल कार्बन, ठीक है। और काइरल कार्बन में देखो यहाँ पे एक Cl अटैच है, एक तरफ C2H5 अटैच है, एक टाइम पे हाइड्रोजन, दूसरे टाइम पे यहाँ पे दूसरे जगह पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। जब हमने इसको मिरर प्लेन मिरर के सामने लाया तो हल्का जस्ट चेंज हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अपने पास काइरल कार्बन एटम है, तो काइरल कार्बन एटम नॉन सुपर इंपोजिबल होता है। तो अभी आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है कि जब ये इस साइड जाएगा मिरर के, तो क्या ये सेम दिखेगा? सेम ये बिल्कुल नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा, तो हल्का सा इसमें डिफरेंस ही आई है। आप देख सकते हो कि जो ये आपका यहाँ पे क्लोरीन एटम है, देखो यहाँ पे दूसरे साइड आ गया है, और C2H5 हल्का सा देखो किस साइड, यहाँ पे लेफ्ट में था, तो हल्का सा अभी राइट में जा चुका है, और ये हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ पे आ चुका है। तो बस यही चेंजेस है, बाकी आप देख लो इसमें जरा सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। बाकी चीजें सेम होती हैं, बस दिखने में डिफरेंट दिखता है, ठीक है। जो उसका पोजीशन है वो चेंज हो जाता है जब हम मिरर के सामने उसको लाते हैं तो, ठीक है, और बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर यही चीज मिरर के पास जाने के बाद भी अगर चेंज नहीं होता तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सुपर इंपोजिबल। बट यहां पे ये कैसा बन गया है? ये चेंज हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? नॉन सुपर इंपोजिबल। देखो ना, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और C2H5, इसके जो पोजीशन है, ये मिरर में इमेज जो दिख रही है, मिरर में अगर हमने इसको मिरर के सामने लाया तो इसके पूरी पोजीशन में चेंजेस आ चुके हैं, और इसी के वजह से ये क्या बन गया? सिमिलर दिख रहा है क्या? अगर सिमिलर होता तो ये क्या बनता? सुपर इंपोजिबल। बट ये सिमिलर नहीं है, इसीलिए क्या बना? नॉन सुपर इंपोजिबल, ठीक है। तो आपको प्रूफ मिल चुका है कि एक ऐसा कार्बन एटम जो काइरल होता है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच होता है, तो ऐसे वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? काइरल कार्बन एटम, और ये हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ही बनाता है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ मिरर के सामने जब जाओगे तो आपको उल्टा ही दिखेगा, यहाँ पे ग्लासेस जैसा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ग्लासेस तो देखो सुपर इम्पोजेबल होती है, एकदम सिमिलर दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ गया होगा। बट अभी हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन देख लेते हैं कि जो काइरल और मिरर इमेज बन रही है, इनमें रिलेशन क्या है, क्या चीज का रिलेशन है? तो इनमें रिलेशन ऐसा होता है कि इनमें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आप खुद ही यहां से बता दो कि क्या इसके एक भी फॉर्मूले में, यहां पे जो भी फॉर्मूला है अपने पास, जो भी यहां पे अपना स्ट्रक्चर है कंपाउंड कार्बन का, इसके एक भी फॉर्मूले भी यहां पे कुछ भी चेंजेस है क्या? जितने कार्बन यहां उतने कार्बन यहां भी, जितने हैलोजन यहां उतने यहां भी, जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर है दोनों तरफ का, बस पूरी
पोजीशन चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज बनाया है इसके लिए। तो यहाँ पे सेम एकदम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, यही डिफरेंस होता है कायरल और मिरर इमेज वाले कंपाउंड में, ठीक है। और ऐसे रिलेशनशिप को यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिलेशनशिप को हम कायरालिटी कहते हैं या हैंडेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? कायरालिटी, ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कायरालिटी, ठीक है। एक यानी कि एक ऐसा एटम, एक ऐसा कायरल एटम जो कि मिरर के सामने जाने पर भी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होता है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के पास जाता है, यानी मिरर के पास या प्लेन मिरर के पास जाता है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का उसके पोजिशन में चेंज आएंगे। और इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कायरालिटी, क्योंकि इनमें एक ऐसा रिलेशनशिप है ना कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है, ना ही इसमें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता है। सो ऐसे रिलेशनशिप को हम कायरल मिरर इमेज रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपको समझ चुका है कि कायरल कार्बन एटम क्या है और कायरालिटी एक रिलेशनशिप का नाम है, यानी कि जो मिरर इमेज है और कायरल कार्बन एटम में जो इमेज होती है, इसमें रिलेशनशिप को हम इसके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? कायरालिटी कहते हैं। तो आपको इसे अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो अपना यहां पे लाइट है ये क्या होता है, ठीक है, ये लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि जो लाइट होती है, अभी हम यहां पे एक बहुत ही अच्छा सा चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं लिखना है, अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताना है, ठीक है। तो ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, आपको अच्छे से एकदम याद रखना है। तो जो लाइट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके अंदर होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी होती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, इसको याद रखना, ये हमने लाइट के बारे में बताया है, ठीक है। तो लाइट भी एक एनर्जी का टाइप है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, वेव के फॉर्म में अपनी लाइट ट्रेवल करती है। और ये जो एनर्जी इसके अंदर भरी होती है ये फोटोन के फॉर्म में भरी होती है। आप लोग आगे के चैप्टर्स में फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फिर प्लेन पोलराइज, ये पोलराइज का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो मान लो कि आपके सामने पहले कैसे भी एक रैंडम लाइट जा रही थी। पोलराइज क्या होता है वो समझना है अपने को, ठीक है। तो आपने कभी ना कभी पोल वर्ड का नाम सुना होगा ना, पोल हमेशा 90 डिग्री होता है, ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। आपने जाना होगा कि जो पोल होता है वो हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है किसी भी चीज को, ठीक है, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल बनाता है पोल। तो ऐसी कुछ पोलराइजेबिलिटी या पोलराइज ऐसा ही कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो मान लो कि ये कैसी भी लाइट आपके सामने से ऐसे जा रही थी, आपने यहाँ पे कोई भी चीज ऐड की जिसके वजह से अभी यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी चीज ऐड कर दी और यहाँ से एक ऐसा कोई भी रैंडम लाइट जा रही थी, ठीक है, ऐसा यहाँ से लाइट जा रही थी, जब ये इस यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये लाइट इस जो पाथ है अपने पास, यहाँ पे ये जो पूरा पाथ है जिस पाथ से लाइट जा रही है, इस पाथ को ये ऑटोमेटिक जो लाइट थी ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये लाइट? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलती है। अब आप क्या बोलोगे कि किसको, वो लाइन को क्या कहते हैं जिसको ये परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो अपनी वेव होती है कुछ ऐसे ट्रेवल करती है, जो अपनी वेव्स होती है, ध्यान थोड़ा सा अच्छे से, ये वेव है और कुछ ये ऐसा ट्रेवल करती है। तो आप कहोगे कि ये जो रेड लाइट है, ये जो रेड लाइन में मैंने दिखाया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है लाइन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, या फिर पाथ ऑफ प्रोपगेशन। जिस प्रोपगेशन का मतलब जिस भी लाइन के थ्रू अपनी लाइट प्रोपगेट हो रही है, प्रोपगेट करने का मतलब है कि चल रही है, जा रही है, उस रास्ते को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो उस प्रोपगेशन की लाइन को हम यहाँ पे, ये जो पाथ को हमने यहाँ पे दिखाया, यानी कोई भी वेव हो एक लाइन ऑफ प्रोपगेशन के पाथ से ही ट्रेवल करती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो पोलराइज लाइट होती है, ये पोलराइज लाइट परपेंडिकुलर होती है इस लाइन ऑफ प्रोपगेशन को। जो लाइन ऑफ प्रोपगेशन होता है इसको ये एग्जैक्टली क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये परपेंडिकुलर कब होती है? जब हम इनमें कोई एक ऐसा डिवाइस
डिवाइस यूज करते हैं लाइक पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी लाइट को पोलराइज कर देता है। ठीक है, पोलराइज करने के बाद जितनी भी लाइट होती हैं वो ऐसा ट्रेवल करती हैं जैसे कि वो परपेंडिकुलर हो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ प्रोपगेशन को, यानी जिसके थ्रू वेव ट्रेवल करती है वो पाथ को यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाती है अपनी कोई भी लाइट। ठीक है, तो यही होता है पोलराइजर का काम। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को समझते हैं। तो जो लाइट होता है ये ऑसिलेशन हमेशा करता है, हैविंग ऑसिलेशन ओनली वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक ऐसी लाइट जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं जो कि एक बार ट्रेवल करने के बाद वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहती है। तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो मान लो कि यहां पे कोई भी रैंडमली ओरिएंटेड लाइट है आपके सामने, ये देखो कैसा भी रैंडम लाइट है, बीच में हमने यहां पे यूज किया पोलराइजर और पोलराइजर के बाद यहां पे जो लाइट गई है तो ये पोलराइजर के बाद देखो टोटली ये जो अपना प्लेन ऑफ यहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो देके रखा है तो अपनी लाइट टोटली इसको परपेंडिकुलर है। ऐसा यहां पे बहुत सारी लाइट्स रहेंगी, ये क्या रहेंगी, टोटली परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, तो ये जो अपना यहां पे लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इसको जो अपनी ये रैंडम लाइट थी ये सारी की सारी लाइट क्या होंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, अच्छे से आपको समझ के रखना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, यानी कि एक ऐसी लाइट जो प्लेन में ही पोलराइज हो जाए, और पोलराइज होने का मतलब है कि परपेंडिकुलर हो जाए। हर बार जब मैं पोलराइज वर्ड कहूंगा तो समझना परपेंडिकुलर हो चुका है, प्लेन को परपेंडिकुलर है लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब कि प्लेन में जो लाइट जा रही है, यानी कि आपके सामने कोई एक प्लेन है, सपोज ऐसा कुछ प्लेन शीट ऑफ पेपर या कोई भी प्लेन है आपके सामने, कोई प्लेन स्पेस है, कोई जगह है आपके सामने। ठीक है, तो उसमें जो लाइट होगी वो क्या होगी, टोटली परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, टोटली परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइट, तो ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट कहती हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे अभी यहां पे मैंने बहुत सारे चीजें आपको यहां पे तीन चार डायग्राम दिखाई, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये अलग अलग डिफरेंट डायग्राम्स हैं, आप इनको अच्छे से समझ लो और पढ़ लो। ठीक है, तो फिर से मैं यहां पे एक समझा देता हूं कि आपने देखो यहां पे प्लेन पोलराइज लाइट, यहां पे नॉर्मल कोई भी रैंडम लाइट उठाया, कोई भी रैंडम लाइट उठा लिया, यहां पे हमने यूज किया पोलराइजर, और ये पोलराइजर देखो कैसी भी रैंडम लाइट को इसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। ठीक है, पोलराइज कर दिया और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। तो ये क्या है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन था और इसको परपेंडिकुलर हो गई। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, यानी सेम प्लेन में अपनी लाइट पोलराइज हो गई। समझा कि नहीं अच्छे से, तो ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ओके, और अब यहां पे हम बात पकड़ेंगे कि जो अपना पोलराइजर है ये पोलराइजर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इस पोलराइजर का नाम होता है निकोल प्रिज्म, और जो ये निकोल प्रिज्म होता है ये कैल्साइट से बनता है। ठीक है, और ये वर्क करता है एज अ पोलराइजर, जैसा पोलराइजर काम करता है उसी का काम ये निकोल प्रिज्म भी करता है। तो ये निकोल प्रिज्म एक ऐसी चीज है जो कि कैल्साइट से बनता है, आपको याद रखना है, कैल्साइट एमसीक्यू में पूछ सकता है कि निकोल प्रिज्म विच इज वर्क एज पोलराइजर मेड अप ऑफ डैश डैश डैश, ऐसा अगर पूछा तो आपको बता देना है डैश के जगह में कैल्साइट फिल कर देना। ठीक है, तो कैल्साइट से बनता है अपना निकोल प्रिज्म। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, कैल्साइट यहां पे याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलो तो यहां पे एक चीज और समझ लो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम दिखाया है, ये रैंडम लाइट है, और देखो यहां पे जाके ये कैसा हो गया, जो अपने पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था इसको यहां पे परपेंडिकुलर हो गई लाइट। ठीक है, तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने सामने ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, ये पूरी थियोरेटिकल पार्ट है गाइस, आप लोग अच्छे से समझते जाना है, एक से दो बार वीडियो को देखते चलोगे सब समझते जाओगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्या होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, चलो तो एक सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच लाइट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि एक कोई ऐसी आपके सामने प्लेन पोलराइज लाइट है, आपके सामने एक ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट है जो कि
अब ये लाइट आपके सामने ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड है, कहने का मतलब है कि पहले आपके सामने कुछ ऐसी कैसी भी रैंडम लाइट आपके सामने आ रही थी, ठीक है। ये रैंडम लाइट को हमने क्या किया, पोलराइज किया, ध्यान देना अच्छे से, हमने इसको यहाँ पे पोलराइजर यूज करके पोलराइज किया और ये लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो गई, ठीक है। ये अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था जिसमें से ये वेव ट्रेवल कर रही थी, तो देखो ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइट, ये अपनी पोलराइज हो गई, ठीक है, ये लाइट पोलराइज हो गई, ओके। देखो यहाँ पे ये पोलराइज लाइट दिख रही है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो ये जो प्लेन ऑफ यहाँ पे पोलराइज लाइट है, ये जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट करेगी, ठीक है, और इसका जब ये इंसिडेंट करेगी तो उसके बाद ये मिरर में जब आप इस इमेज को देखोगे तो ये हल्का सा उल्टा दिखना चाहिए या कोई इसमें चेंज होना चाहिए, यानी रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, रोटेशन इसमें हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रोटेट होगा, ठीक है, वही रोटेशन। जैसे कि यहां पे देख लो, यहां पे सीएल यहां पे देखो पीछे आ गया और एच देखो यहां पे सामने आ गया, तो ये रोटेशन ही हुआ है ना, तो कुछ ऐसा रोटेशन हो जाना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शनैलिटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। फिर से समझ लो, जब कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कोई भी लाइट नहीं, ओनली एंड ओनली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो पहले बात तो भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलेगी, तो पहले हम यहाँ पे रैंडम कोई भी लाइट यूज करते हैं, उसको पोलराइजर में डालते हैं, पोलराइजर में डालेंगे तो यहाँ पे अपने को पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, और इसी पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे किसी भी अपने ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट हल्का सा अपने आप को रोटेट कर देगा। मिरर में जब हम इसे देखेंगे, भाई लाइट आई है तो मिरर में देखेंगे ना, तो जब मिरर में देखेंगे तो हल्का सा वो रोटेट होना चाहिए, रोटेशन उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसी एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, यानी कि जो एक्टिविटी होगी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी हमारा वो हैंड यहां पे जो था ये उल्टा दिख रहा था, तो ये ओनली एंड ओनली प्लेन पोलराइज लाइट के वजह से ही दिख रहा था, यानी जो ये वाला अपना हैंड है इसमें प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है और तभी जाके दूसरा इमेज ऐसा उल्टा इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो अब बोलोगे कि जब प्लेन पोलराइज लाइट आ रही तभी ये दिखेगा, तो हाँ ना भाई, कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट सिर्फ तभी दिखाई देता है अपनी आंखों को जब सामने वाला ऑब्जेक्ट भी अपने बॉडी से लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, तभी हम लोग देख पाते हैं, यह फंक्शनैलिटी होती है विजन की। अगर मान लो आप यहां पे खड़े हो, आप ए इंसान हो और आप खड़े हो किसी ओ ऑब्जेक्ट के पास, तो आपको ओ ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो ये ओ ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा ना जब कोई भी सन की लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस लाइट में आके पड़ेगी, यानी कि इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और ये वापस से लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करे तभी ये आपको दिखता है। जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है, और वो अंधेरा या फिर ब्लैक दिखाई देगा। कैसा, लाइक ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, लाइट्स, इन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके लिए ब्लैक बॉडी हमें पूरा ब्लैक टोटली डार्क दिखता है, ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो कलर नहीं है उसी को तो हम ब्लैक कहते हैं ना, स्पेस में भी कुछ कलर है क्या, तो उसी एकदम जीरो कलर को हम डार्क कलर को ब्लैक कलर कहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब कोई भी लाइट किसी में भी इंसिडेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट करता है तभी वो चीज हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जैसे कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होगी तो वो क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है, हल्का सा तो रोटेट हो ही जाएगा ना, जैसे यहाँ पे हैंड रोटेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कंपाउंड रोटेट हो जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ ना कुछ तो उसमें रोटेशन होगा ही होगा, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, ओके चलो। अब ये जो यहां पे ऐसे कुछ कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल, ऐसे कुछ कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है। बहुत ही आसान सा इसका डेफिनेशन है, ऐसे कंपाउंड जो रोटेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, और जो रोटेट नहीं होते हैं उसको हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। तो आपको समझ तो चुका है ना कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उससे रोटेशन ही होता है, तभी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, और ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। बट जो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे तो वो रोटेट ही नहीं होंगे, यानी कि ये जो आपके सामने एग्जांपल है हैंड और ग्लास का, तो इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, ये हैंड अपना ऑप्टिकल एक्टिव है और ये ग्लास अपना ऑप्टिकल इनएक्टिव
रिफ्लेक्टिव है। Why? Because यहाँ पे कौन रोटेशन कर रहा है, ये हैंड अपना रोटेशन कर रहा है। जब इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पड़ेगी तो ये मिरर में जाएगा और मिरर से ये उल्टा दिखाई देगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी ऑप्टिकल एक्टिव इमेज है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो ग्लासेस है ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और हमको एक बात और पता है कि जो ऐसा कुछ चेंज कर देता है उसे हम नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट या कंपाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो रोटेट होते हैं, इसका मतलब कि वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ही बनाएंगे, क्योंकि जो इमेज जो रोटेट हो जाता है मिरर में वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ही बनती है ना, तभी तो वो रोटेट हुआ। तो इसका मतलब जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, इन दी पोलराइज्ड लाइट। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ओके ऑप्टिकल एक्टिविटी का। एक से दो बार वीडियो देखोगे ना, बस पोलराइज्ड लाइट यार समझ लेना। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पहले लाइट ना कैसे भी घूमती है, कैसा भी रेंडमली मूव कर रही होती है मान लो, ठीक है, और इसके चलने का पाथ ये है, ये इसके चलने का पाथ है, ठीक है, जिसे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं, मतलब जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट होती है। तो ये जो यहाँ पे रैंडम अपने पास ये जो लाइट है इसके बीच के पाथ में हमने यहाँ पे पोलराइजर लगा दिया। जैसे ही हम पोलराइजर लगाएंगे तो ये आगे तो लाइट जा रही है ना, आगे आते ही ये क्या हो जाएगी, पोलराइज जाएगी, और लाइट पोलराइज होते ही ये प्रोपगेशन जो लाइन थी, लाइन ऑफ प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर हो जाती है, और ऐसी लाइट को हम पोलराइज लाइट कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, पोलराइज लाइट वही लाइट होती है जिसको पोलराइजर क्या करता है, पोलराइज कर देता है। ठीक है, तो कोई भी रैंडम लाइट पोलराइज हो सकती है बाय यूजिंग पोलराइजर। और कौन सा पोलराइजर हमने यूज किया था, तो निकोल प्रिज्म। क्या यूज किया था हमने, निकोल प्रिज्म, ठीक है, जो कि किससे बनता है, कैल्साइट से बनता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कैल्साइट से बनता है निकोल प्रिज्म, ओके चलो। तो और ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने इसी पोलराइज लाइट से अपने आप को रोटेट करते हैं, जब सब्सटेंस में अपनी यही पोलराइज लाइट आगे चल के किसी सब्सटेंस में अगर इंसिडेंट होती है और वो सब्सटेंस का इमेज जो मिरर इमेज है वो चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाए पोजिशन में, तो ऐसे वाले को हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। जिसमें नहीं होता है, जो रोटेशन नहीं करता है, उसे ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो एक्टिव होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं बिकॉज उन्होंने रोटेशन किया, और जिसने रोटेशन नहीं किया उसे सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अभी यहां पे हुआ क्या था, रोटेशन हुआ था, क्या हुआ था, रोटेशन। ठीक है, चलो ध्यान रखना अच्छे से। तो मान लो आपके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये बी एक वर्ल्ड है आपके सामने, अब यहाँ पे इसका रोटेशन हुआ। ठीक है, देखो मैं थोड़ा अच्छे से आपको बी बना देता हूँ जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे आपके सामने बी एक वर्ल्ड है, ठीक है, और ये रोटेशन हुआ, तो या तो ये राइट साइड में रोटेट होगा या तो ये लेफ्ट साइड में रोटेट होगा, दो ही कंडीशन है ना इसके पास, समझा कि नहीं अच्छे से। तो अगर मान लो कि ये राइट साइड में रोटेट हुआ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर ये लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझा कि नहीं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसमें इन्वर्जन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसी रोटेशन के बेसिस पे, जो राइट रोटेशन हो रहा है और लेफ्ट रोटेशन हो रहा है प्लेन के अंदर ही, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट होते हैं मिरर में, तो जो राइट रोटेट होते हैं ना उनको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। आप जब इस चीज को अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा कि वहां पे कितना कॉम्प्लेक्स बताया है, यहाँ पे सिंपल में आप लोग इसे समझ लो। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड जो राइट साइड में रोटेट होते हैं आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, ये लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है और अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट किया तो उसे हम लोग क्या कहते थे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जेक्ट कहा करते थे। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो अगर वो राइट में या फिर लेफ्ट में रोटेट होता है ये तो हमको पता है, अगर वो राइट में रोटेट हुआ तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट हुआ तो इसको हम लोग लेवो
रोटेटरी, ठीक है, तो लेवो रोटेटरी कहते हैं अगर लेफ्ट में रोटेट हुआ तो, अगर राइट में हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। एक लैटिन वर्ड होता है गाइस जिसमें से लेवोस का मतलब होता है, लेवोस, लेविस की बात नहीं कर रहा हूं, जो ब्रांड होता है कपड़ों का, मैं लेवोस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। और डेक्स्ट्रोस एक वर्ड होता है, डेक्स्ट्रोस, डेक्स्ट्रोस का मतलब होता है राइट। तो ये लैटिन वर्ड से ही और ग्रीक वर्ड से ही तो इंग्लिश के सारे वर्ड आए हैं, तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। थोड़े बहुत सिंबल याद कर लेते हैं, सिंबल हमेशा हम लोग जब नेमिंग वगैरह करेंगे ना तो हम इसे हमेशा यही यूज किया करेंगे। तो जब डेक्स्ट्रो यानी कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट से अगर कोई सब्सटेंस रोटेट हो रहा है और वो हमेशा अगर डेक्स्ट्रो यानी राइट साइड में रोटेट हो रहा है तो उसे हम डी माइनस या प्लस साइन से रोटेट करते हैं, अगर लेफ्ट में हो रहा है तो एल माइनस या ओनली माइनस साइन से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो रोटेशन दो टाइप का, राइट या लेफ्ट, राइट वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट वाले को लेवो रोटेटरी, राइट वाले को डी माइनस या प्लस से दिखाते हैं, लेफ्ट वाले को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना। चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ओके। चलो यहां पे ध्यान देना, वही चीज है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझना है बस। तो एक ऐसा आइसोमेरिक कंपाउंड विच हैव डिफरेंट एंड इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, यही छोटा सा कंसेप्ट है। यहां पे देखो ये बोला क्या है, एक ऐसा आइसोमेरिक कंपाउंड, आइसोमेरिक मतलब जिसका सेम यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो एक ऐसा आइसोमेरिक कंपाउंड जिसको डिफरेंट बट इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से कंपाउंड होती हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रोटेशन करते हैं, तो वो रोटेशन कैसा भी कर सकते हैं, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करें या तो वो इक्वल डायरेक्शन में करें, ठीक है, सामने सामने करें या तो फिर ऊपर नीचे यानी कि इन्वर्ट करके करें। जैसे कि यहाँ पे देखो अपना जो यहाँ पे ये बी है ये इक्वल इक्वल पे बट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बी वाला टोटली एकदम इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या बोल रहा है कि इक्वली देखो एकदम सामने सामने एकदम आमने सामने क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वली रोटेट होगा बट अपोजिट रहेगा। तो देखो जरा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, बट बाकी सारा मैग्नीट्यूड वगैरह सारा क्या है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे जो उसका साइज है सब कुछ सेम है, बट ये वाले में देख लो जरा इनवर्जन हो गया है, उल्टा हो गया है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट, एक ऐसा आइसोमेरिक कंपाउंड जब उसमें प्लेन पोलराइज लाइट पड़ेगी तो वो कंपाउंड इक्वल एंड अपोजिट ही रोटेट होना चाहिए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वाले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को या आइसोमेरिक कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और ये ओनली एंड ओनली 3D स्ट्रक्चर में ही होता है, ये बात को समझ लो, ओके। तो अभी आपको समझ गया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब मान लो आपके सामने बी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इक्वल बट अपोजिट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, ऐसे वाले को हम कहेंगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है इनेंसियोमर के बारे में समझ लेते हैं, इनेंसियोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। चलो तो इनेंसियोमर क्या होता है, अब देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर ही डिपेंड है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी आप यहाँ पे देख चुके हो, इक्वल बट अपोजिट, ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल ही सामने सामने ही रहेंगे बट अपोजिट दिखेंगे, ठीक है, यही होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऐसी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, अगर आइसोमेरिक कंपाउंड इस चीज को शो करते हैं तो, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना, एक से दो बार वीडियो को पीछे कर करके देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो वर्ड्स जाएंगे, क्योंकि थियरी है ना यार, इसके लिए आपके दिमाग में वो वर्ड्स जाएंगे तो आपको समझ जाएगा, ओके। तो इनेंसियोमर क्या होता है समझते हैं, तो यही जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, यही ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाती हैं, ठीक है, तो और इन्हीं को इनेंसियोमर कहा जाता है। देखो कितना छोटा सा कंसेप्ट है ये, ध्यान देना अच्छे से, एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पड़ती हो, मान लो ए और बी ये दोनों के दोनों यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड है,
ठीक है। और जब इनमें इनकी हम इमेज देखें, मिरर इमेज जब हम लोग इनकी देखेंगे तो इनकी मिरर इमेज दोनों की नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम इनेंसियोमर कहते हैं। ऐसे इन दोनों ए और बी को दोनों को हम इनेंसियोमर कहेंगे। तो इनेंसियोमर क्या होता है? मर, एम ई आर, मर, मर मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ओके। और इनेंसियो मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर, ठीक है, मोस्टली सिमिलर, ऐसा वर्ड याद रखो, ठीक है, हमेशा हर जगह करेक्ट नहीं होगा वर्ड, ठीक है, बट आपको ट्रिक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग याद कर लो इस वर्ड के थ्रू। सिमिलर मान लो ऐसा कि है, ठीक है, हर जगह इसका मतलब ये नहीं होता है, इंग्लिश का वर्ड है ना भाई, हर जगह इसका मीनिंग चेंज होते रहता है, ओके, चलो ध्यान रखना अच्छे से। तो इनेंसियोमर, मर मतलब स्ट्रक्चर, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका जो यहाँ पे जो इमेज है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगा, ठीक है, यानी एक ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि जब हम इन्हें किसमें डालेंगे, जब हम इसे मिरर में डालेंगे, तो इनका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी हैंड के जैसा ही होगा दोनों का, ठीक है। तो ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इनेंसियोमर कहेंगे। बोलने का मतलब है कि देखो जरा ध्यान से, आपके सामने ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, ओके, चलो ठीक है, देखो, तो अगर मान लो, या तो फिर मैं ए नहीं लेता हूं, मैं जे लेता हूं इसकी जगह में, जिससे कि आपको अच्छे समझेगा, ओके, ये जे ऑब्जेक्ट है, ओके, चलो ध्यान दो, और बी को थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे समझ जाए, बी को मैं और अच्छे से बना देता हूं, ये अपना बी है, ओके, देखो अभी अगर मैं जे को अगर किसी भी मिरर के सामने रखता हूं तो इसकी मिरर इमेज मान लो ऐसा दिखती है, और बी को अगर रखता हूं तो इसकी मिरर इमेज मुझे ऐसा दिखती है, तो देखो जरा दोनों का इन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों का चेंज हुआ है ना, मतलब दोनों के दोनों ये यहां पे क्या है, ये दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज दिखा रहे हैं, मतलब ये जो जे है और ये जो बी है, ये दोनों के दोनों क्या है? इनेंसियोमर है, समझ आए कि नहीं अच्छे से। और इनेंसियोमर को ही हम लोग इनेंसियोमॉर्फ भी कहते हैं या ऑप्टिकल एंटीपोड भी कहते हैं। मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर सेम, और इनेंसियो मतलब सिमिलर बट अपोजिट, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, सिमिलर बट अपोजिट होता है इनेंसियो का मतलब, ठीक है, चलो याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था इनेंसियोमर के पीछे, ठीक है, चलो। और जो यहाँ पे इनेंसियोमर होते हैं ना, तो कुछ हुआ है क्या इनमें चेंजेस? सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर का जो मिरर है ना, मिरर इनका डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिखा रहा है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो ऐसे वाले जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इनमें कोई डिफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके लिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन होगा ना, वो भी सेम होने वाला है, बट जो साइंस होंगे वो अपोजिट होंगे। मतलब देखो जरा, जे एकदम सेम सेम है, उसकी वैल्यू मान लो कोई जे अगर कंपाउंड होता तो वो अगर बदल गया है, चेंज हुआ है, मान लो अगर यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है आपके सामने, तो यहाँ पे जितने सी है तो इधर भी इतने सी कार्बन है ना, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन क्लोरीन उतने इधर भी है, बस पोजिशन में चेंजेस आया है, यानी डायरेक्शन में चेंज आया है, और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको समझ के रखना है कि इसमें जो साइन होगा बस वही अपोजिट होगा, बाकी रोटेशन रोटेशन सब सेम रहने वाले हैं, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर एक और कंसेप्ट समझते हैं कि अगर मान लो अब यही आपके सामने यहाँ पे दो इनेंसियोमर है, जे और बी, और इनका आपने मिक्सर किया, वन मोल आपने जे बी लिया और वन मोल आपने बी बी यहाँ पे अकाउंट को ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का जब आपने मिक्सर किया तो ऐसे मिक्सर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सर, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेसमिक मिक्सर क्या होता है, तो आप बता देना कि इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर, जो इनेंसियोमर होते हैं उनका इक्विमोलार मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ओके, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ यहां पे इनेंसियोमर इज नथिंग बट रेसमिक मिक्सचर। सो अगर आपसे टीचर ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि देन व्हाट इज इनेंसियोमर, तो बता देना कि दो ऐसे कंपाउंड टू आपके सामने दो ऐसे कंपाउंड जो कि उनका दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी एकदम क्या होगी? सेम होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम होने का मतलब है कि दोनों के दोनों सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे, ठीक है। दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम इनेंसियोमर कहते हैं, ओके, ये बातें ध्यान रखना। और ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। कौन होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और जब हम इन्हीं दोनों इनेंसियोमर को, ऐसे दो इनेंसियोमर को अगर हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी इक्विमोलार मिक्सचर जब हम इनका करते हैं तो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं इक्विमोलार मिक्सचर।
ओके okay? ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपने पास यहाँ पे जो साइन होता है इक्विमोलर मिक्सचर का, तो इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं। तो हम इसे शो करते हैं बाय डीएल और प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा एक और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे जान लेते हैं फिर से। आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा इमेज है और इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड, ये ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, और जो रोटेशन करेगा वो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो चेंज हो जाएगा वो कैसा रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ही बनाएगा। तो देखो जरा यहां से रेड वाला और यहां से देखो ये वाला इमेज हमने लाया है, तो दोनों को अगर मैं एक साथ रख रहा हूं, देखो जरा दोनों का एकदम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। बट अगर कहीं यहां पे ग्लास होता, पानी का ग्लास होता, और दोनों को अगर मैं साथ में लाता, तो दोनों के दोनों क्या होते, एक दूसरे में एकदम सेम बन जाते। अगर मैं इनको इंपोज करता एक दूसरे में तो दोनों सेम बन जाते, समझा कि नहीं अच्छे से। अगर आपके सामने कोई हाथ है, उसको अगर आप लोग एक साथ रखते हो तो वो सेम रहेगा क्या, एक के ऊपर आप दूसरा हाथ रख लो तो दोनों का जो थंब रहेगा वो अलग अलग साइड में चला जाएगा। बट अगर आप किसी भी ग्लास को उठाओ वाटर से फिल्ड और सेम लेवल ऑफ वाटर भरो और एक दूसरे के आगे पीछे रख दो और यहां से देखो अगर आप लोग, तो वो एक लाइन में दिखने वाला है, ठीक है। तो ये कैसा है, सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है, बिकॉज ये रोटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। बट यहाँ पे ये जो है ये क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं और ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। कभी भी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ही बनाएंगे जब मिरर के पास जाएंगे, तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ के रखना है, ओके। चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिमेंबर भी पॉइंट है, थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं हम, और भी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी जो इनेंशियोमर होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, और कभी भी दो पेयर ऑफ यहाँ पे इनेंशियोमर ही क्या होता है, अच्छे से कंबाइन होता है, ठीक है, और रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। जो इनेंशियोमर होते हैं ये इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ये करते हैं, इसे भी आपको समझ के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, जो कि आप ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, हम ऐसा कुछ लाइन के थ्रू दिखाते हैं। मान लो आपके सामने कोई कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Br था, यहाँ पे I था और यहाँ पे H था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में कार्बन को पॉइंट के थ्रू और ऊपर Cl, इधर Br और यहाँ I और यहाँ H, ऐसे लाइन के थ्रू जो क्रिस क्रॉस ऐसा कुछ क्रॉस करके जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसे हम फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, और ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेज फॉर्मूला। ये वेज फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, वैसे भी आपने 11th में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो आपके सामने ये प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, इसमें आप ड्रॉ कर रहे हो, तो कभी भी याद रखना ऐसा वेज फॉर्मूला ऐसा होता है कि मान लो आपको आपके सामने यहाँ पे कोई कंपाउंड है सी, और यहाँ पे आपके सामने कोई भी बी आर है, और यहाँ पे सी एल है, एच है और आई है, आपके सामने ये कंपाउंड है, इसको आपको वेज फॉर्मूला इसका ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, वेज फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, कभी भी याद रखना अकॉर्डिंग टू वेज फॉर्मूला इन्होंने बोला था कि जो सेंटर कार्बन एटम होता है ये इसी प्लेन में रहेगा, कहां रहेगा, इसी प्लेन में, ठीक है। और जो दो कोई भी कंपाउंड, देखो जो यहां पे दो कंपाउंड कोई भी, मान लो ये कोई भी दो कंपाउंड है, मैंने यहां पे मान लिया कि वो बी आर है, क्या है यहां पे बी आर और सी एल, ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर में ही बन गए ये दोनों बॉन्ड, ठीक है। और कुछ ऐसे बॉन्ड यहां पे ध्यान देना, कुछ ऐसे बॉन्ड जो इस प्लेन के ऊपर बन रहे हो, कहां बन रहे हो, ये बॉन्ड प्लेन के ऊपर बन रहे हो, कुछ ऐसे, ठीक है, प्लेन के ऊपर बन रहे हो, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो कुछ ऐसे बॉन्ड जो प्लेन के ऊपर बनते हो, ठीक है, यहां पे ये देखो यहां पे ये क्या आ गया, H बन गया। और कुछ ऐसे बॉन्ड जो यहां पे ध्यान देना अच्छे से, इसी प्लेन के नीचे बन रहे हो, कहां बन रहे हो, ये इसी प्लेन के नीचे की तरफ बने हो, ठीक है। तो इसे हम लोग यहां पे आपको अभी समझा होगा, ठीक है। तो इसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर के शो को हम क्या कहते हैं, वेज फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो अभी आपको समझ चुका होगा कि वेज फॉर्मूले में किसी भी कार्बन में यहां पे टोटल चार बॉन्ड होते हैं, तो इसकी जो दो बॉन्ड होते हैं ये प्लेन ऑफ द पेपर में ही होते हैं,
एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे होता है प्लेन ऑफ द पेपर के। जो बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर होता है उसे हम लोग कुछ ऐसे डार्क से दिखाते हैं, जो प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो प्लेन ऑफ द पेपर के अपना यहाँ पे देख लो अच्छे से प्लेन ऑफ द पेपर में ही होता है उसे नॉर्मल हम लोग एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। और सेंटर में अपना कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो यही होता है वेज फॉर्मूला, एकदम आसान सा है, बस आपको इमेजिन करना है और कुछ नहीं, ओके। तो ये था अपना पूरा आज का बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो आप अच्छे से जान चुके हो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, फिर से फटाफट दो मिनट में एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी याद रखना, ये दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं ये रोटेशन करते हैं, जो रोटेशन करते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, उल्टा इमेज दिखाते हैं, इन्वर्टेड इमेज दिखाते हैं, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे रोटेट नहीं होते हैं वो कैसे होंगे, सुपर इम्पोजेबल इमेज दिखाएंगे और उनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ओके। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, और जो ऐसे चेंजेस दिखाते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इनेंशियोमर ऐसे ही होते हैं, इनेंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। और अगर हमने कभी दो इनेंशियोमर को ऐड कर दिया, मिक्सर बनाया इनका, और वो भी दोनों इक्वल मोल में हमने दो इनेंशियोमर को उठाया, मान लो 5-5 मोल के दो इनेंशियोमर उठाए और उन दोनों को मिक्स किया, तो जो उससे मिक्सर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सर कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आपको सारी चीजें समझ गई होंगी, यही छोटा सा कंसेप्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। नोट्स आपके सामने हैं, आप उसे फॉलो करो, बोर्ड एग्जाम में भी सेम लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसे कि कंसेप्ट ज्यादा है बट बहुत स्मॉल कंसेप्ट है, ठीक है। तो समझ में तो आ रहे हैं बट बहुत ज्यादा होने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ रहा है, आप पागल नहीं हो, ठीक है, बट आपको 1-2 बार समझने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो 1-2 बार आप इसे समझोगे तो आपको 100% समझेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।